हेलो फ्रेंड्स मैं सिन्नी मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल डी आई वाई सिन्नी में और आशा करती हूं सभी लोग अच्छे होंगे अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे और उससे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं तो ये देखिए आज मैं आपको ये वाला जो डोर मैट है ये बनाना बताऊंगी तो बहुत ही सुंदर सा ये डोर मैट है तो इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसे फिर से एक बार बताऊं तो आज मैं फिर से इसको बताऊंगी तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड दो कलर की ऊन चाहिए होगी अगर आप पुरानी साड़ी चुननी से बनाते हैं तो भी वो बहुत ही अच्छा बन के आता है और बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही आसान सा ये डोर मैट है तो इसको बनाने के लिए आपको दो कलर की ऊल चाहिए होगी तो देखिए एक मैंने लिया है लाइट येलो और एक लिया है मैंने ग्रीन सेम ग्रीन कलर है तो यहाँ पर आप दो कलर की ऊन ले करके बनाइए एक लाइट और एक डार्क रख के ठीक है अगर बीच वाला कलर आप लाइट रखते हैं तो पीछे ये वाला जो लगा है ग्रीन यहाँ पे डार्क कर लीजिए और अगर ये वाला डार्क है तो इसको लाइट कर लीजिए ऐसे करके बन जाएगा ठीक है तो चलिए इसको बनाना हम सिखाते हैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है अगर वीडियो पर आप नया है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा मुझे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस डिज़ाइन को मैंने 32 फंदों में बनाया है ठीक है यहाँ पे मैंने इसको 32 फंदों में बनाया है तो आज मैं आपको यहाँ पे ये जो है ये वाला डोरमेट इसको 28 फंदों में मैं बनाना बताऊँगी तो आप चाहे 28 में बनाइए 32 में बनाइए 40 में बनाइए ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं तो सबसे पहले चलिए हम सिलाई में जो है अपने फंद डाल लेते हैं तो फंदे देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ये जो हमारा येलो कलर है यहाँ पर हम लगाएंगे इसको लाइट वाला और जो ग्रीन है ये हम साइड में लगाएंगे ठीक है तो जो यहाँ पे हमें बाहर राउंड बाउंड्री ये जो हमने बॉर्डर

चौदह और चौदह वो भी दो के जोड़े में आ रहा है ठीक है तो ऐसे फंदे आपको लेने हैं कि जैसे कि हम किसका हाफ करें ना जिसका तो वो भी दो के ही जोड़े में हो जैसे मैंने बत्तीस का बनाया ये वाला डिजाइन तो बत्तीस का आधा होता है सोलह तो सोलह भी देखिए दो के जोड़े में ही आ रहा है ना तो ऐसे ही फंदे आपको लेना है अगर आप चालीस से बनाएंगे तो बीस और बीस ठीक है ऐसे करके तो चलिए अट्ठाईस फंदे डालते हैं और इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने पहले नौ नंबर की सिलाई भी ली है अगर आप साड़ी चुनी से बना रहे हैं तो सात आठ नंबर की सिलाई से आप इसको जरूर बनाइए तो चलिए फंदे डाल लेते हैं अट्ठाईस बंदे टोटल हमें यहाँ पे रखने हैं दो तीन चार पांच ऐसे करते हुए फ्रेंड्स हमें ढीले ढीले ही फंदे यहाँ पे डालने हैं तो अट्ठाइस फंदे चलिए डाल लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल हमने जो है अट्ठाइस फंदे अपनी सिलाई में डाल लिए ठीक है।, है फंदे डालते ही ये देखिए पहली सिलाई से जो ये वाली डिजाइन है वो, वो स्टार्ट हो जाती है तो देखिए यहाँ से क्या करना है हमें एक फंदा बढ़ाना है सिलाई के पीछे से ऐसे घुमाते हुए देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया और एक फंदा ये ये यहाँ से बनाया दो फंदे और एक यहाँ से और तीन फंदे एक हमारे पास बढ़ा हुआ फंदा है और दो हमारे अपने फंदे हैं ठीक है ये हो गया अब यहीं से हम क्या करेंगे अपना दूसरा कलर जो है ऐड करेंगे तो दूसरा कलर जो है हमारा ये येलो कलर है तो यहाँ से हम येलो कलर से बना लेंगे ठीक है ये देखिए और इसको हम ऐसे करके फंसा लेते हैं आप नॉट लगा सकते हैं अब यहाँ से जो सारे फंदे हैं इनको हम बनाएंगे येलो कलर से आप ग्रीन कलर में ही नॉट लगा लीजिएगा मैं ऐसे ही फंसा लेती हूँ ताकि मैं ऐसे भी आपको बता दूँ ये बहुत ही सफाई के साथ बन जाता है अब ये सारे फंदों को हम जो है बना लेंगे बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन लगती है बनने के बाद फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है तो एक बार ज़रूर आप भी बनाइए ट्राई कीजिए ये देखिए यहाँ से जो सारे फंदे हैं इन सबको हम बना लेंगे ये देखिए यहाँ तक बनाया दो फंदे यहाँ पे हम ये वाले जो ग्रीन वाले हैं इनको हम यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से हो जाएंगे वापस वापस होते ही यहाँ पे जो जिस कलर से है उसको उसी कलर से बना लेंगे दो फंदे हमने ग्रीन वाले छोड़ दिए एक फंदा हमने बढ़ाया दो फंदा हमने छोड़ा ठीक है और सीधी साइड से देखिए जो जैसे है वैसे बना लेना मैं एक बार को सीधी साइड से भी दिखा देती हूँ बना के वीडियो ज़रा भी अच्छे लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए अगर समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए आप और अगर आ, कोई भी अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगे या फिर जो भी लगे तो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए अगर आपको कम और ज़्यादा फंदों में भी अगर चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ बनाने की ये देखिए यहाँ पे आए और यहाँ से अब देखिए पीछे करेंगे उससे पहले इसको इसे थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं हम ठीक है इसको देखिए अब यहाँ पे ये जो हमारा येलो कलर है ये पीछे चला जाएगा और यहाँ से ये ग्रीन कलर जो है इसको हम यहाँ से आगे लाएंगे ठीक है जो जिस कलर से है उसी कलर से बनेगा और सारे फंदे यहाँ पे उल्टे उल्टे ही बनेंगे ये देखिए जो फंदा हमने बढ़ाया था वो भी उल्टा ही बनेगा ठीक है इधर हो गया अब फिर से आ गए हम अपने पीछे साइड अब देखिए फिर से यहाँ से एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे ये देखिए फिर से एक फंदा हमने सलाई के पीछे से लाते हुए बढ़ाया और दो तीन यहाँ पे जो है एक दो तीन तीन फंदा ही रहेगा एक बढ़ा वो फंदा बाकी दो हम बनाते हैं और एक जो ये ग्रीन वाला है इसको हम कर देंगे येलो क्योंकि हमने एक फंदा ऊपर बढ़ाया तो तीन फंदे हमारे हो गए और जो बॉर्डर वाला जो तीन फंदा ग्रीन है वो तीन ही हर बार रहेगा ठीक है और ऐसे हम एक एक फंदा बढ़ाते हुए ऊपर की ओर चलेंगे और नीचे से दो दो फंदे जो है ऐसे छोड़ते हुए करेंगे ये देखिए यहाँ पे आ गए फिर से तो दो फंदे यहाँ पे हम छोड़ देंगे और यहाँ से फिर से वापस हो जाएंगे और जो जिस कलर से है उसी कलर से यहाँ पे हम बना लेंगे उसको ठीक है तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं जो जिस कलर से है और यहाँ पे जब आती यहाँ पे आएंगे तो अपने क्रीम कलर को पीछे कर देंगे और ग्रीन वाले को आगे ले आ करके जो जिस कलर से ये तीन फंदे बना लेंगे ठीक है तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हम आ गए सीधी साइड से देखिए हमने बना लिया और यहाँ पर ये देखिए ये हमारी ये बॉर्डर सा ये तीन फंदों का बनता रहेगा ग्रीन का जैसे इसमें आपको दिख रहा है तो अब देखिए फिर यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे सिलाई के पीछे से लाते हुए फंदा बढ़ा लिया हमने और ये देखिए दो और एक ये तीन तीन फंदे ग्रीन के क्योंकि अब एक ये जो ग्रीन वाला है इसको हम हर बार अपना क्रीम कलर से कर देंगे और यहाँ से जो जैसे है उसको ऐसे ही बना लेंगे ठीक है तो यहाँ पे टोटल हमने तीन फंदे जो है बढ़ा लिए हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि कितने फंदे बढ़ाने हैं टोटल देखिए यहाँ पे हमारे जो है अट्ठाईस फंदा है अट्ठाईस का आधा है चौदह तो यहाँ पे हमें जो चौदह फंदे छोड़ने हैं और सात फंदे बढ़ाने हैं ठीक है एक एक करके सात फंदे हमारे बढ़ेंगे और चौदह फंदे हम दो दो के जोड़े में छोड़ देंगे ठीक है उन्हें नहीं बोलेंगे तो देखिए फिर से हमने दो फंदे छोड़ दिए तो यहाँ पे ऐसे ही आपको जब भी आप कितने भी फंदों को बनाएंगे तो आपको ऐसे ही हिसाब लगाना बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि कितने फंदे बढ़ेंगे कितने छोड़ेंगे तो देखिए जैसे मैंने अट्ठाईस फंदा लिया अट्ठाईस का आधा हुआ चौदह ठीक है तो जब यहाँ पे हम दो दो करके चौदह फंदे छोड़ देंगे तो यहाँ पे सात फंदे ही तो बढ़ेंगे ना क्योंकि एक एक करके फंदे भी बढ़ा रहे हैं और यहाँ से दो तो छोड़ रहे हैं तो एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे और एक दो फंदे यहाँ से छोड़ेंगे तो ऐसे करते हुए यहाँ पे सात फंदे बढ़ जाएंगे हमारे और यहाँ पे चौदह फंदे जो है बिना बुने हम ऐसे छोड़ देंगे ठीक है ऐसे ही इसका जो है हिसाब लगाएंगे हम और देखिए यहाँ से वापस होते हुए जो जैसे है वैसे बना लेंगे तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स क्या करते हैं हम यहाँ पे चौदह फंदे जो अपने हैं ठीक है यहाँ पे हम बारह फंदे चलिए छोड़ लेते हैं और यहाँ से छः फंदे हम बढ़ा लेते हैं फिर आपको बताते हैं चौदह फंदे में जब छोड़ेंगे और सातवा फंदा बढ़ाएंगे तो आपको दिखाते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये देखिए एक एक करते हुए हमने यहाँ पे छः फंदे जो है बढ़ा लिए और यहाँ पे देखिए दो दो के जोड़े में एक दो तीन चार पाँच छः ये देखिए यहाँ तक के फंदे जो है हमने छोड़ दिए अब देखिए हम सातवां फंदा बढ़ाएंगे अपना ये देखिए अब हम यहाँ सिलाई के पीछे सिलाते हुए फिर से एक फंदा बढ़ा लिए ये हमारा सातवां फंदा जो है बढ़ गया और यहाँ पर तीन फंदे हमने बना लिए और इसको फिर से हम अपने क्रीम कलर से बना लेंगे ठीक है और बाकी यहाँ से हम बनाते हुए फिर से जो है दो फंदे छोड़ेंगे तो ये अब हम अपना लास्ट चौदह फंदा जो है इसको छोड़ रहे हैं मतलब बढ़े हुए फंदे के हिसाब से देखा जाए तो ये लास्ट वाला ये चौदहवा फंदा हम छोड़ेंगे ये देखिए कि यहाँ पे देखिए हमने दो फंदे फिर से छोड़ दिए और यहाँ से हो जाएंगे वापस और यहाँ से जो जैसे है उसको ऐसे बना लेते हैं ठीक है बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन और बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है सीधे साइड से फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना होता बस जो जैसे है उसको वैसे ही बना लेते हैं ये देखिए देखें बनाया इसको इधर करेंगे और इधर से ग्रीन को आगे लाएंगे और ये तीन फंदे हमारे जो ग्रीन के हैं ये ग्रीन से ही बनेंगे और उल्टे उल्टे ही बनेंगे ठीक है तो ये देखिए यहाँ पे हमने फंदों को बढ़ाते हुए और चौदह फंदों को छोड़ते हुए यहाँ तक बना लिया अब देखिए अब क्या करना है अब यहाँ पे मैं आपको डिज़ाइन में भी दिखा देती हूँ जैसे कि ये डिज़ाइन देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये यह फंदे बढ़े हुए हैं उसके बाद से देखिए यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ा है बिल्कुल ही गोल सा सेप आया हुआ है तो इसके लिए अब हमें क्या करना है देखिए अब हम यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे जब हमारे पास चौदह फंदे हमने छोड़ लिए और सात फंदे बढ़ा लिए ठीक है बस फंदे आपको वहीं तक बढ़ाना है जो फंदों का हाफ़ है जैसे अट्ठाईस फंदों का हाफ़ चौदह हुआ तो चौदह फंदे जब हम छोड़ेंगे और उतने में जितना फंदा हमारा बढ़ेगा बस उतना ही बढ़ाना है ठीक है आप कितने भी फंदों को बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे उसके बाद अब हम यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाना अब यहाँ पर हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे और ये देखिए ये तीन फंदे जो ग्रीन है ये ग्रीन के ही रहेंगे बाकी इधर से जो क्रीम वाले हैं क्रीम से ही रहेंगे ठीक है अब फंदे हमें नहीं बढ़ाने कोई फंदे नहीं बढ़ाने बस जो जैसे है वैसे ही बनाना है बस नीचे से हमें जो है दो दो फंदे छोड़ते रहना है ये चीज़ अभी हम करेंगे दो दो फंदे अभी हम छोड़ेंगे जब तक कि अब हमारे सारे अट्ठाईस फंदे न छूट जाए तो देखिए फिर से हमने दो फंदे छोड़ दिए फिर यहाँ से जाएंगे वापस और इधर साइड से देखिए जो जैसे है इस फंदे को आप बना भी सकते हैं उतार भी सकते हैं ठीक है यहाँ से जो जैसे चली वैसे बना लेते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने इधर से बना लिया अब देखिए फिर से क्या करना है फिर से इसको ऐसे उतार लेंगे ठीक है इधर से फिर से बना लेंगे क्योंकि हमने उल्टी साइड सीधी साइड से इसको बनाया था इसलिए इधर से उतार लेते हैं ठीक है बाकी इधर से फिर से देखिए कोई फंदा नहीं बढ़ाया हमने बस हमें यहाँ पे दो दो फंदे छोड़ते जाना है यहाँ पे फिर से हम दो फंदे अपने छोड़ देंगे सॉरी ये देखिए फिर से हमने यहाँ पे दो फंदे जो है छोड़ दिए ये से वापस हो जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें दो दो करते हुए सारे फंदों को छोड़ देना बस हमारे पास जो हमारे सात फंदे हैं बढ़े हुए फंदे बस वही हमारे पास बचेंगे है ना तीन फंदे ये हो गए चार पाँच छः सात बस ये इतने सात फंदे बचेंगे ठीक है और बाकी ये दो दो करते हुए हमें सारे फंदों को छोड़ देना तो चलिए यहाँ पर फिर से मैं जो है यहाँ पर बारह फंदे छोड़ लेती हूँ यहाँ वाले ठीक है और दो फंदे फिर जब मुझे छोड़ना होगा तो मैं आपको दिखाऊँगी बाकी यहाँ पर कोई फंदा जो है नहीं पढ़ेगा ठीक है बस बढ़े हुए फंदे हमारे पास बचेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने बना लिया ये यह देखिए यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया तो देखिए काफ़ी ही अच्छा सा ये बन के सेब आ रहा है और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ तक फंदों को छोड़ लिया ठीक है अभी हमारे पास ये दो फंदे और बचे हुए देखिए दो तो चार, तो दो चार दो छः दो आठ एक नौ नौ फंदे हैं तो हमें यहाँ पर केवल सात फंदे चाहिए जो हमारे बड़े हुए फंदे हैं तो दो फंदे अभी हम यहाँ पर और छोड़ेंगे अपना तो देखिए फिर से इसको ऐसे उतार लेंगे दो तीन ये ग्रीन का ग्रीन से क्रॉस करा के एक दो तीन चार चार तीन सात सात फंदे हो गए दो फंदे यहाँ पे छोड़ दिया हमने फिर से यहाँ पर वापस यहाँ से ये यह देखिए फिर जैसे इसको क्रॉस करा देंगे और यहाँ पे जो जैसे है उसको ऐसे बना लेंगे ये देखिए ठीक है ये देखिए इतना हो गया अब देखिए अब क्या करना है अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल बराबर से बन के आया है ठीक है तो अभी हमें यहाँ पे ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है इसको अभी हमें पूरा गोल सेव करना है तो आप देखिए अब क्या करना अब यहाँ से जो सात फंदे हमारे पास हैं ये सात फंदे रहेंगे बाकी ये दो दो करके जो हमने फंदों को छोड़ रखा है यहाँ वाले चौदह फंदे जहाँ पर हम लोग कोई फंदे नहीं बढ़ाए थे बिना फंदे बढ़ाए जो हमने चौदह फंदे छोड़े हैं उन चौदह फंदों को फिर से हमें दो दो करके लेना है और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात यहाँ ये वाले चौदह फंदे जो हैं जो हमने फंदे बढ़ाए थे तब के वो चौदह फंदे हैं यहाँ पर हमारे तो ये फंदे यहाँ तक रहेंगे बाकी यहाँ वाले जो फंदे हैं ये चौदह फंदे इनको हम दो दो करके उतारते जाएंगे लेकिन फंदा यहाँ पे कोई नहीं बढ़ाएंगे ठीक है जो जैसे है वैसे ही बनाएंगे अभी भी बिना कोई फंदे बढ़ाए और घटाए ये देखिए तीन फंदे ये ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पे क्रॉस करा लेंगे दो तीन चार ये हो गया अब ये दो फंदे हम उतार लेंगे एक दो ठीक है यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ पे जो जैसे है वैसे बनाएंगे तो अब हमें दो दो फंदे जो हमने छोड़ रखे हैं उनको ले लेना है हमें ठीक है यहाँ से इसको ऐसे पीछे करेंगे और यहाँ से इसको आगे दो तीन ठीक है ये हो गया फिर से यहाँ वापस देखिए फिर से इसको ऐसे उतार लेंगे ये तीन जो है तीन ही रहेंगे ग्रीन वाले बस यहाँ से अब हमें दो दो फंदा अपना लेते जाना है बिना कोई फंदा बढ़ाए ठीक है थीके? जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे ही बिल्कुल ये देखिए हो गया अब यहाँ पर देखिए गैप ज्यादा है है ना तो यहाँ से एक फंदा ऐसे हम उठा लेंगे और ये जो दो फंदा हमें उतारना है इन्हीं में से पहले दो का एक कर देंगे एक फंदे के साथ ये देखिए और ये वाला फंदा बना लेंगे ठीक है फिर यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ से फिर से जो जैसे है वैसे बना लेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे ही करना है ये ग्रीन वाले जो तीन है ये तीन ही रहेंगे बिना तो कोई फंदे बढ़ाए हमें जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाते रहेंगे बस अपने चौदह फंदे पहले हम ले लेंगे फिर जब हमारे पास चौदह फंदे जो बचेंगे तो फिर हम उसको फंदे घटाने के साथ उतारेंगे लेकिन अभी जो है चौदह फंदे यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाना है बिना फंदा घटाए हमें जैसे यहाँ पर हम उतारते हुए बना रहे हैं वैसे बना लेना है तो चलिए यहाँ वाले चौदह फंदे हम ले लेते हैं फिर जब हमारे पास ये चौदह फंदे बचेंगे तब हम आपको बताएंगे क्या करना है ठीक है यहाँ पर चौदह फंदे जब बचेंगे तो फिर मैं बताऊँगी तो यहाँ वाले फंदे जो चौदह हमने बिना कोई फंदा बढ़ाए छोड़ा था उसको लेते हैं तो आप इतना कर लीजिए तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बना लिया ये यह देखिए यहाँ पे देखिए बिना कोई फंदा बढ़ाए देखिए हमने कितना ही सुंदर सा ये बन के आ रहा है हमारा ये देखिए काफ़ी ही प्यारा सा डिज़ाइन भी है और यहाँ से दो दो करते हुए देखिए फंदे उतार लिए अब हमारे पास देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फंदे यानी चौदह फंदे ये बचे हुए हैं तो अब यहाँ से हम जो है अपना फंदा एक एक घटाएंगे ठीक है और ये दो दो फंदे उतारेंगे जैसे यहाँ पर डिज़ाइन में भी आपको दिख रहा है ये देखिए कम हो गया है इधर ठीक है तो अब देखिए अब क्या करना है अब यहाँ से हम देखिए दो का एक करेंगे ये दो फंदा लिए और दो का एक कर देंगे ठीक है ये हो गया एक यहाँ और एक येलो में से ले लेंगे क्योंकि ये तीन के तीन ही रहेंगे हर बार हमारे ठीक है अब यहाँ जैसे क्रॉस कराते हुए जो येलो वाले येलो से बना लेते हैं अब एक येलो को ग्रीन कर देंगे और दो का एक कर देंगे ऊपर की साइड से ठीक है क्योंकि हमारे तीन फंदे रहने ही चाहिए और यहाँ से दो फंदे उतार लेंगे तो है ना बहुत ही सिंपल सा और कुछ भी नहीं है बस बहुत सिंपल है अब यहाँ से दो दो फंदा जैसे हम उतारे थे वैसे उतारते रहना ये देखिए यहाँ पे एक फंदा उता, उठा के क्योंकि जाली आ जाएगी इसलिए यहाँ से दो फंदे ये ले लिए अब यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी साइड से फ्रेंड्स जो जैसे है उसको ऐसे ही बना लेंगे ठीक है तो चलिए सीधी साइड से यहाँ तक बना लेते हैं उल्टा उल्टा तो देखिए फ्रेंड्स हमने इधर से बना लिया सीधी साइड से अब हम फिर से आगे अपने उल्टी साइड में तो एक फंदा हमने यहाँ पर घटाया अब ये देखिए फिर से हम दो का एक करेंगे ये हमारा दूसरा फंदा घटेगा ये देखिए दो का एक कर दिया ठीक है और इस वाले ग्रीन को बना लेंगे तो दो और एक येलो में से ले लेंगे हम ठीक है तो एक येलो में से लेते हुए हर बार ऐसे ही करते हुए बनाना है हमें और दो दो फंदे अपने उठाते जाना है यानी एक एक फंदा घटाना है और एक येलो को ग्रीन कर देना है और बाकी नीचे से दो फंदे ले लेना है ऐसे करते हुए यहाँ पे हमें अपने जो है सात फंदे घटा देने होंगे तो दो फंदे हमने घटा लिए ये देखिए मैं एक और दिखा देती हूँ आपको कैसे उतारना है इसको ये देखिए गैप है तो यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे ऐसे और ये जो दो फंदा हमें उतारना है इसी से पहले दो का एक कर लेंगे और ये वाला फंदा बना लेंगे ठीक है फिर यहीं से वापस हो जाएंगे तो ऐसे करते हुए फ्रेंड जो जैसे यहाँ सीधी साइड से जो जैसे है सब उल्टा उल्टा ही बनेगा ठीक है ऐसे करते हुए चलिए हम फंदे उतार लेते हैं जो हमारे पर दो फंदे ये ग्रीन के बचेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी क्या करना है बाकी यहाँ से एक दो तीन चार चार फंदे हम और भी घटा लेते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इतना बना लिया ये देखिए हमारे ये बन चुका है और यहाँ से देखिए हमने छः फंदे जो है अपने घटा लिए हैं और बाकी देखिए काफ़ी सुंदर सा सेब बन के आया है और यहाँ से दो दो करते हुए सारे फंदे उतार लिए हमने बस हमारे पास ग्रीन का दो फंदा जो है बचा हुआ है तो ग्रीन का फंदा जब हमारे पास रहेगा तब देखिए क्या करना है यानी अभी हमें अपना सातवां फंदा जो है घटाना है तो देखिए सातवां फंदा घटाने के साथ ही ये देखिए यहाँ पर दो कह कर दिया सातवा फंदा भी घट गया अब देखिए एक फंदा है दो अब यहाँ पर सारे फंदों को हम ग्रीन से बना देंगे तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस और यहाँ पे देखिए दो फंदे उतारना तो यहाँ से हम पीला वाला जो है ये क्रीम कलर का ये जो फंदा है एक उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे देखिए एक फंदा हम येलो वाला उठा लेंगे अपना ठीक है अब यहाँ पे येलो का दो का एक करेंगे येलो और ग्रीन के साथ ये देखिए और ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे फंदे जो है उतर चुके हैं ठीक है ये देखिए आप यहाँ पे येलो वाला ही फंदा उठाइएगा क्योंकि ऐसे नोक सा बन के आएगा अगर आप ग्रीन उठा लेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा तो ये देखिए काफ़ी सुंदर से ये बन गया है मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देती हूँ ये देखिए काफ़ी प्यारा सा बन के आया हुआ है है ना ये देखिए अब यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्रीन कलर से बना लेंगे तो यहाँ पर सर्कल बहुत ही कम आता है येलो फंदा उतारेंगे हम यहाँ से ठीक है और यहाँ से जो जैसे है ग्रीन कलर का सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे तो चलिए यहाँ तो पूरा बना लेते हैं उल्टा उल्टा तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारे फंदे मैंने यहाँ तक बना लिए ये ऊपर तक देखिए और एक रो जो है ग्रीन की आ गई जैसा कि आपको इस डिज़ाइन में दिख रहा है हर एक पत्ती बनने के बाद एक रो जो है ग्रीन की आ रही है तो यहाँ पे जब ग्रीन वाला फंदा उतारेंगे तो हम ग्रीन से सारे फंदों को बना लेंगे ठीक है इसी के साथ आपको यहाँ पे छह कलियों में ये कंप्लीट हो जाता है ये देखिए तो बहुत ही सुंदर ये बन गया है अब यहाँ से देखिए क्या करना है हम फिर से आगे गए अपने उल्टी साइड तो उल्टी साइड में फिर से हमें वही करना है एक फंदा हम बढ़ाएंगे ग्रीन का और दो फंदा यहाँ से लेंगे यानी तीन फंदा हम जैसे ये बॉर्डर में ग्रीन रखे थे वैसे ही रहेगा बाकी सारा क्रीम कलर लगाते हुए दो पंद्रह ग्रीन का छोड़ देंगे तो जैसे स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था सेम वैसे करते हुए फिर से आपको यहाँ पर जो है पाँच गलियों को रेडी कर लेना है ठीक है तो फ्रेंड्स वीडियो को करेंगे यहीं फैंट आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा बाय बाय